الله 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 इसके बाद स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सदर अली मलिक साहब से दरखास्त करूंगा जो अपने चला का एहसास करें ब्रिगेडियर सदर अली मलिक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहसिन हजरात जो ऑफिसर और दीगर अल्लाह को ये एक मौका दिया कि हम यहाँ आए और अपनी आंखों से खुद हालात का जायजा लें। इसका मुस्तफिर मुझे इलाके के प्रॉब्लम से आगाह किया गया है और ये पहली दफा है कि मैं इस तरफ आया हूँ और बहुत से मुझे वाकई रूप से दुख हुआ है कि कितने अच्छे से ये प्रॉब्लम अभी तक हैं और इनका कोई हल नहीं हुआ। हल बदल गया है लेकिन उनको पाया तकनीक का नहीं बताया गया। बहरहाल ये सड़क की तामीर, सोनारे की तामीर और लाइटों का लगना और बाद में यहाँ की ऑफिसर बनने के लिए जम या डर दिन बनाना वो अगले 15 दिन में मुकम्मल होंगे। यहाँ पर आके आपसे दोबारा बातचीत करूंगा। उससे ज्यादा कोई मैंने कोई बात नहीं करना चाहता। कंटोनमेंट बोर्ड कैमरे को ये नई बात एक अगर है उसके बाद मैं उनको दोबारा बुला कर नहीं दिखाना चाहता। पैसे का काम नहीं कर पाना मेरा तमाम समय दिन बाद यहाँ आके देखना चाहे काम मुकम्मल हो गया कि नहीं। लोगों ने काफी शिकायत की है उनका नाम जाना चाहता क्योंकि दिन के खिलाफ शिकायत की गई है वो भी जानते हैं शायद खुद बहुत पैदा नहीं होती इसमें जो मुतलका अपराध हो महकमा हो उसका तल्लुक पूरा पूरा होता है। दूसरा ये इलाके की सफाई ठीक है कंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड का अमला बड़ा महदूद है। टोटल असेंबली के लिए असेंबली कैंप के लिए जो किसी मौका भी फैला हुआ है 10 लाख की आबादी है अभी सब्जी का बड़े काम है आप हम कोशिश कर रहे हैं कि तौर पर जाएं ताकि ये जितनी भी गंदगी और शोर यूज किया जाए ये बहुत बड़ा और गंभीर मसला है। सिंधी इवेंट का नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का है पूरे कौम का है। हमारे इसमें तालुक में लुप्त है तो तबीयत में लुप्त है कि हम सफाई प्रधान नहीं हैं। लोग इतना जानते हैं कि अपने घर को साफ करके उसका पूरा फिकर घर फेंक दिया जाए तो कोई देखे ना देखे हर आदमी को कम गायब नहीं जानते तो उससे आप लोग पाबंद रहें और अपना इलाका अपनी जगह खुद साफ करेंगे तो मान लकड़ी रहेगा। जैसे मैंने कहा हमने कंटेनमेंट का हमला उसकी तादाद बहुत महदूद है और वसाइल की कमी है लेकिन वसाइल की कमी के बावजूद मेरा इरादा कम नहीं और इंशाल्लाह ताला जो मेरा कंटेनमेंट बोर्ड का हमला है ये भी मेरे इरादे को पाए तकदीर तक पहुँचाएंगे। बाकी जो बनाना या
इससे साफ रखना लगातार जरूरत नहीं हो आप लोगों का काम है, चाहे वो आपका घर हो, दुकान हो, जो जरूरत हो आप साफ कर सकते हैं। अब ये यकीन हमने आपने क्या इसके लिए किया है, अगर एक पत्र के हिसाब से आप एक साथ करिए भी इसमें आपका हिस्सा है, लेकिन जैसे कि हमारी आदत है तो हमारे सत्ता है तो हम दो जाएंगे, लेकिन उसको बताना आपका काम है। तो इन शाला दादा हम कोशिश करेंगे ना के ये नाता बल्कि पूरा पीएम चुनौती एक इंसानी नाता भी है, और जो बाकी मसाए हैं चाहे ये है सब को एक प्रकार से हम हल करेंगे। आखिर में मैं किसी की का रही किसी का जो भी बनने में एक दुर्गा दुर्गा जो है वो दिखाया है, और मैं चाहता हूँ कि आज तमाम लोगों ने मुझे जरूरत करना हो, और मैं कि आज के लिए यही सबसे नहीं बल्कि ये देवता पता रहना चाहिए, क्योंकि के बाद मैं आपका और आज तमाम लोगों का मजबूर है। मेहरबान हमारे पास 40 आदमी हैं इस पर जिन्होंने इस इलाके की सफाई करनी है, और मैं चाहूंगा कि अगर 40 हुआ तो हम 140 लोग उनके साथ चलें ताकि उस पूरे इलाके को साफ सुथरा बनाया जाए। अगर ब्रिगेडियर साहब के पास टाइम है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से गली से हम निकल जाए, पीपल्स कॉलोनी को टच कर लें, सिर्फ देख लें उस इलाके को, और उसके बाद फिर ऐसा बात है जाहिर है कि अगर इनके बजट में इनके जो बजट है जाहिर है कि उसमें मुझे नहीं इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत 1 लाख रुपया कर सकती है तो कम से कम आवाम अपनी जगह से फंड निकालकर एक एक कोड़े की दे दो, बाकी काम नए से बाजू का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि एक फंड एक फंड में दुनिया नहीं चलती जाती, और नहीं हमें बजट का पता है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस सारे काम को तो ये हमारे हुकूमत कानूनी की तरफ टच करने तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। Thank you.